वेलकम बैक टू आवर ग्रामर क्लास. माय सेल्फ मानसी देवनानी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर लेसन 10 द वर्ब. सो व्हाट इज द वर्ब? मैंने वर्ब आपको बहुत बार समझाया. वर्ब क्या है? वर्ब वो है सेंटेंस में एक्शन दिखाता है. नाउ हियर द एक्सरसाइजेस, हमारी एक्सरसाइज में जो है ये दिए हुए सेंटेंसेस और हमें उनको सेपरेटली टेबल में बताना है, टेबल में शो करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. तो जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, लेकिन वर्ब के साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी है. किसके बारे में हम बोल रहे हैं, वर्ब जो है वो किसके बारे में बता रहा है, वो ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है. और ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, आई रोट हिम अ लेटर. तो आई क्या कहते हैं? आई क्या है? आई है सब्जेक्ट, रोट है वर्ब, हिम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए लेटर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मैंने उसे लेटर लिखा था. तो लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट. किसके बारे में बोल रहे हैं सेंटेंस? किसके बारे में? सब्जेक्ट इज आई. लिखना दैट मीन्स वर्ब. हिम उसे, हिम अ लेटर. सो इसको मैंने अलग अलग सेपरेटली रख दिया टेबल में. इसी तरह आपको भी करना है. सेंटेंस दिया होगा और आपको इसको अलग अलग टेबल में शो करना है. सेकेंड इज दीपक गेव मी ए पेन. तो दीपक क्या है? दैट इज द सब्जेक्ट. दीपक सब्जेक्ट है. गेव वर्ब है. मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए पेन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द टीचर विल अवॉर्ड मोहन ए प्राइज. द टीचर है सब्जेक्ट. Will award is verb. Mohan is indirect object and a prize is direct object. Now fourth, my brother bought me a shirt. So my brother is subject. Brought is verb. Me indirect object and a shirt is direct object. Understood? Sorry, here is bought, not brought. Sentence में है ये bought. मेरे भाई ने मेरे लिए shirt खरीदी. मेरे भाई ने मेरे लिए एक shirt खरीदी. Okay, now fifth sentence. My father sent me a telegram. मेरे father ने मुझे telegram send किया. तो my father is subject. Sent is verb, me is indirect object, a telegram is direct object. My father sent me a telegram. Now, she will lend her sister some money. She is subject, will lend is verb, her sister is indirect object. Some money is direct object. I have asked you a question. I is subject. Have asked is verb. You is indirect object and a question is direct object. Now next is the principal fined him 10 rupees. The principal is subject. Fine is verb. Him is indirect object and 10 rupees is direct object. Now next one is Jenny bought her mother some sweets. Jenny is subject. Bought is verb, indirect object her mother and direct object is some sweets. Okay, now last one is tell the student the correct answer. अब इसमें tell first verb दिया है तो हम हमारे यहाँ पे इसमें subject नहीं दिया है तो subject में हम dash कर देंगे और verb के नीचे लिखेंगे tell the student indirect object and the correct answer is direct object. Now the next exercise is write the following sentences using direct object before the indirect object. Now I shall give you an apple. अब इसमें क्या है? I is subject,
shall give is verb, you is indirect object, and an apple is direct object. ये है subject, verb, indirect object and direct object. अब इसमें क्या करना है, आपको direct object को आगे लाना है और indirect object को पीछे लाना है. जब हम ये चीज करते हैं तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पीछे एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है. दैट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी विल राइट. आई शैल गिव यू एन एप्पल. आई शैल गिव, अब मैंने क्या बोला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाना है तो एन एप्पल, उसके बाद हम लगाएंगे एक प्रीपोजिशन टू, फिर लगाएंगे इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू. आई शैल गिव एन एप्पल टू यू. He will bring you a letter. So he will bring a letter to you. To लगा के हमको indirect object को पीछे ले जाना है. They sent the boy a book. They sent a book to the boy. See. They sent subject, verb, indirect object and direct object. तो हमने क्या किया, they sent तक तो same लिखना था, indirect object को आगे ले लिया, a book, और preposition to लगा के direct indirect object को पीछे ले लिया, the boy. He did me a wrong. So he did a wrong को आगे ले लेंगे, a wrong to me. प्रीपोजिशन टू लगा के मी को पीछे कर दिया. दे प्लेड हिम अ ट्रिक. सो दे प्लेड ए ट्रिक टू हिम. अंडरस्टूड, इजी. सिर्फ टू लगा के हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे ले लेना है. ही लेफ्ट देम ऑल हिज प्रॉपर्टी. सो ही लेफ्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी. टू लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे हो गया. द ओल्ड मैन टोल्ड मी दिस स्टोरी. सो वी विल राइट द ओल्ड मैन टोल्ड दिस स्टोरी टू मी. दे लेंट मी 10 rupees. दे लेंट 10 rupees टू मी. शो मी योर न्यू बुक. So, show your new book to me. See, your subject is not there. Show verb से start होता है. Show your new book to me. I told my little brother a story. I told a story to my little brother. अंडरस्टूड. ये मैंने किस तरह से किया, मैंने प्रीपोजिशन टू लगा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे ले लिया. सो विद दिस योर एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड. राइट इन योर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग. थैंक यू.